छत्तीसगढ़ में भाजपा लगातार शराबबंदी को लेकर सरकार को घेरने में लगी है। और इसी बीच में इसी मुद्दे को बात करने के लिए हमारे साथ में कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री सत्यनारायण शर्मा जी, उनसे जानते हैं कि शराबबंदी को लेकर जो समिति बनाई गई है और संरक्षण समिति के सत्यनारायण शर्मा जी अध्यक्ष भी हैं, उसको लेकर कहाँ तक शराबबंदी को लेकर ये क्यों नहीं हो पा रही, इसको लेकर। शराबबंदी को लेकर सरकार गंभीर है और इसीलिए सामाजिक समिति बनाएगी, राजनीतिक समिति बनाएगी, प्रशासनिक समिति बनाएगी और बीजेपी अनावश्यक रूप से इश्यू बनाने के चक्कर में है। हम ये पूछना चाहते हैं कि 15 सालों में क्यों नहीं कर दिया उन्होंने, बीजेपी के लोगों ने 15 साल बीजेपी की सरकार ही नहीं कर पाए। जहां जहां इनकी सरकार है वहां क्यों नहीं हो रही है, और जहां शराबबंदी हो रही है क्या वहां स्मगलिंग नहीं हो रही शराब की? इस बात को हम जानते हैं कि जहां शराब है वहां उसका घर कंगाल, ये कड़वी सच्चाई है। लेकिन अगर शराबबंदी होती है तो इलीगल स्मगलिंग, इलीगल शराब आने लगेगी, जहरीली शराब आने लगेगी। गुजरात में, पंजाब में, बिहार में कितने लोग मर गए जहरीली शराब, जो नशे के आदी हैं, जो लोग उनको नशा मुक्ति केंद्रों को हम लोगों ने बढ़ाया है, दुकानें भी कम की हैं। तो हमारी समिति उन राज्यों में दौरा करेगी जहां शराबबंदी हुई है वहां की क्या स्थिति है, जहां शराबबंदी हो गई और दोबारा चालू हो गई शराब पीना वहां क्या परिस्थिति है, और ट्राइबल एरिया में क्या परिस्थिति है। नॉर्थ ईस्ट में भी किसी एक राज्य में जाएंगे हम, पता लगाएंगे। लगातार बीजेपी आरोप लगाती रहती है कोरोना काल में सरकार ने ऑनलाइन शराब बिक्री घर घर तक शराब पहुंचाई है, तो इससे शराब की जो खपत है वो ज़्यादा प्रदेश में बढ़ रही है, इस कारण से कांग्रेस सरकार है वो शराबबंदी नहीं कर पा रही है। देखिए कोरोना काल में भी जिन लोगों को शराब की आवश्यकता थी, जो शराब के बिना जिंदा नहीं रह सकते थे, उनको पहुंचाने की बात भी सोची जाती है। और ये सब चीजें जो है वो दोनों तरह की बातें हैं। इसको सामाजिक बुराई को एक वातावरण बना करके, जागरूकता पैदा करके, लोगों को समझाइश देकर के, नशा मुक्ति केंद्रों को बढ़ावा देकर के, नशे की प्रवृत्ति को छुड़ाने के बाद ये सब किया जा सकता, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। शर्मा जी केवल बात की बात करते हैं, बीजेपी के लोग केवल वातावरण बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वातावरण बन नहीं पाता है, इशू बनाने की कोशिश करते हैं, इशू नहीं बना पा रहे हैं। ये थे हमारे साथ में पूर्व मंत्री सत्यनारायण शर्मा जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सभी प्रदेशों में जहां जहां शराबबंदी की बीजेपी ने बात की थी, सभी प्रदेशों का देखेंगे कहां पर क्या हुआ है, इसी को लेकर ये कांग्रेस पार्टी का नहीं बाकी सभी पार्टियों को और पूरे छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे देश में शराबबंदी होनी चाहिए। सत्यन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी, रायपुर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।